सबों को जय मसीह की। मेरा नाम प्रभुदान है, आप लोगों को पता है। मेरा वचन ये मेरा वचन नहीं है, वो बहुत दिनों से मैं इस वचन के मैं अध्ययन में था, तो प्रभु ने कुछ बातें हमसे किया है और इस बातें करते समय मेरा जैसा यहाँ पे किया है बताया गया है वैसे मेरा जीवन में भी ऐसे ही हुआ, थोड़ा एक्सपीरियंस भी मैंने किया, इसीलिए यही वचन को ही मैंने आप लोगों के सामने के लिए लाने के लिए प्रभु से अगुवाई पाया। और हम लोग पढ़ेंगे रूत का किताब से 1-22 तक कोई पढ़े थोड़ा जल्दी जल्दी में, चैप्टर 1-22। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं एलीमेलेक, नौमी, महलोन और किलियोन, ये 1, 2, 3, 4 नाम हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं और बाद में और एक नाम है बुआज। तो यहाँ पे रूत के किताब में हम लोग जब मैं ये पढ़ रहा था तो मुझे बहुत ही अचंभित लगा। ये फर्स्ट नंबर में ही एक वर्ष में ही ऐसा लिखा है बेतलेहम। आप लोगों को पता है बेतलेहम में क्या घटना हुआ था, कोई बता सकता है बेतलेहम में क्या हुआ था? यीशु का जन्म हुआ था, प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था। ये रॉयल टाउन है, प्रभु यीशु मसीह पैदा हुआ इस जगह में। और इस जगह के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ पे मैंने पढ़ते पढ़ते पाया कि बेतलेहम एक हाउस ऑफ ब्रेड, मतलब रोटी का घर है, ये एक रोटी का घर है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं यहाँ पे रोटी मिलता है, हर चीज बंदोबस्त है। लेकिन जब न्याय लोग न्याय करते थे तो कैसे न्याय करते थे कि वहां पे खाना पीना खत्म हो गया। आज भी हम लोग देख रहे हैं संसार में किसी किसी जगह में क्या हो रहा है, इकोनॉमिक कंडीशन डाउन होते जा रहा है, खत्म हो रहा है। कहीं ना कहीं ये चलने ना जानने की वजह से भी हो सकता है। तो यहां पे भी ऐसा ही है। तो एलीमेलेक का मतलब है, एलीमेलेक का नाम का मतलब है मेरा परमेश्वर राजा है। पहले ही उसका नाम का अर्थ है, उस फैमिली में पहला जो नाम का अर्थ है वो मेरा परमेश्वर राजा है। उसके बाद नौमी का मतलब है प्रीतिकर, मतलब मनोहर, ब्यूटी। महलोन निर्बल या दयनीय, उस बेटा पहला बेटा का नाम इसका अर्थ है दयनीय निर्बल। किलियोन इसका मतलब है अप्रसन्नता, प्रसन्न नहीं है जीवन में। तो यहां पे मैंने ये 0, 1, 2 से लेकर 10 तक लिखा है, 9 के बाद 1 आया फिर 0 आया है। तो उसके लिए हम लोग मत्ती 23 का एक वचन को पढ़ेंगे, 23 का 11 और 12 में पढ़ रहा हूं। जो तुम में बड़ा हो वह तुम्हारा सेवक बने, जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। इसीलिए मैंने ये नंबर लिखा है। यहां प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहा है, जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। संसार का रीति क्या है, बड़ा होना है, टारगेट कहाँ है, बड़ा होना। लेकिन प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता का टारगेट कैसा है, नीचे आना, मतलब जीरो, जीरो से स्टार्ट होना है। तो ये परिवार में क्या हुआ, भरपूरी है, भरपूरी होने के वजह से अकाल पड़ गया। वो उसके बाद में ये लोग क्या हो गया, यहाँ पे
अकाल होने की वजह से घर में तनाव हो गया, अब नौकरी ढूंढना है, कहीं दूसरी जगह जाना है, जाना ही पड़ेगा, नहीं जाने से मुश्किल। लेकिन मैं बार बार यही बात बोलूंगा कि उसका अली मेलेक का नाम मेरा परमेश्वर राजा है और बेतलेम जो है रोटी का घर है। उस घर को छोड़ करके वो लोग कहाँ चले गए? मुआब में चले गए। जब मुआब में गए तो क्या क्या घटना हुआ? उनका पति भी मर गया, दोनों बेटे भी मर गए, दो बहुएं हैं, दो बहू भी कैसा है, वो लोग अन्य जाति से आए हुए, विश्वासी नहीं थे, वो लोग प्रभु का घर से नहीं आया था। लेकिन हमारा बहन प्रभु का घर से आया है, ये लोग मत समझिएगा कि वो भी बाहर से आया है, प्रभु का घर से ही वो लोग नहीं थे, बाहर से लेकर आए थे, वो लोग शादी करके आए थे। तो इस विषय में हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर जो है हर बात को एकदम गंभीरता से लेता है। ये लोग यहाँ पर कितने साल रह रहे हैं? 10 years। कहाँ पे देखते हैं हम लोग? 4 का आखिरी वर्ष में लाइन में देखते हैं 10 वर्ष रहे। 10 वर्ष रहने के लिए क्यों उनको क्यों चाहिए, क्यों रहना पड़ा यहाँ पे 10 साल? उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि ये दोनों बहुएं कहाँ के थे? बाहर से आए थे। वो लोग लड़के लोग कहाँ का शादी किया था? मुआब लड़की शादी किए थे। तो इसके लिए हम लोग डिट्रोनॉमी व्यवस्था विवरण 23:3-6 पढ़ेंगे, वहां पे क्या लिखा है देखते हैं। कोई अमोनी या मुआवी यहोवा की सभा में न आने पाए, उनकी 10वीं पीढ़ी तक का कोई यहोवा की सभा में कभी न आने पाए, इस कारण से किस जब तुम मिस्र से निकल कर आते थे तब उन्होंने अन्न जल लेकर मार्ग में तुम से भेंट नहीं की, और यह भी कि उन्होंने अरम देश के पतोर नगर वाले बोर के पुत्र बिलाम को तुझे श्राप देने के लिए दक्षिणा दी, परंतु तेरे परमेश्वर यहोवा ने बिलाम की न सुनी, किंतु तेरे परमेश्वर यहोवा ने तेरे निमित्त उसके श्राप को आशीष में बदल दिया, इसलिए कि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे प्रेम रखता था, तू जीवन भर उनका कुशल और भलाई कभी न चाहता। यहाँ पे 23:3-6 इस प्रकार इसीलिए लिखा गया है कि, और यहाँ पे वो लोग 10 साल इसीलिए रहे कि अगर वो लोग 10 साल से जिंदा रहते और भी जिंदा रहते, वो लोग बेतलेम में चले आते तो वो दोनों लड़के वहाँ पे आराधना कर पाते, क्योंकि उन्होंने क्या किया था? बाहर से शादी किया था, इसीलिए परमेश्वर ने उन्हें 10 साल वहाँ रखा। ये व्यवस्था विवरण का जैसे ही है, यहाँ पे जैसे वहाँ लिखा है वही यहाँ लिखा गया है कि उन लोगों को 10 साल शादी कर सकते हैं, हम लोग बाहर से शादी कर सकते हैं, लेकिन 10 years अलाउ नहीं होगा कि आप आराधना में जा सकते हैं, मंदिर में जा सकते हैं। इसीलिए वो लोग वहाँ पे 10 साल भी रहे। उसके बाद हम लोग देखते हैं नौमी और रूथ और ओरफा। अभी हम लोग यहाँ देखते हैं रिलेशन शुरू होगा, हम लोग का रिलेशन, फैमिली रिलेशन, घरेलू घर घर की कहानी यहाँ पे शुरू होगा। यहाँ पे एक सास है, दो बहुएं हैं, नौमी का अवस्था कैसा है? एकदम जीरो हो चुका है, कुछ है अभी? कुछ नहीं है। आगे हम लोग पढ़ेंगे तो वही मिलेगा कि मैं भरा पूरा गई थी, खाली होकर लौट आई, ऐसा वचन लिखा है आगे में। और इस वजह से नौमी के बारे में, जब हम एक साइड हम नौमी के बारे में देखेंगे, ऐसा जीवन रहते रहते भी उसने अपने बहुओं को कभी भी गलत शब्द नहीं निकाला,
हमेशा उसने आशीष दिया। अपना जीवन में परेशानी है, बहुत ज्यादा परेशानी है, लेकिन बहुओं को उसने आशीष दिया। हम लोग देखते हैं 8 से नीचे तक, 9 में, यहोवा ऐसा करे कि तुम फिर पति करके उनके घरों में विश्राम पाओ। तब उसने उनसे उनको चूमा और वे चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे। 8 में ऐसा लिखा है, तब नाओमी ने अपने दोनों बहुओं से कहा, तुम अपने अपने मायके लौट जाओ, और जैसे तुमने उससे जो हमारा मर गए हैं और मुझसे भी प्रीति की, वैसे ही ये हुआ तुम्हारे ऊपर कृपा करे। ये क्या दे रहा है? कृपा करे। उसका हृदय में क्या है? भलाई सोच रहा है उनके बारे में, लेकिन उनका दुख दुख से भरा है जीवन। मेरा भी ऐसा हो गया था, जीरो हो गया था मैं। अब मैं बताऊंगा तो मुश्किल हो जाएगा, शर्म भी आएगा, बाद में मेरा घर वाला बोलेगी फिर क्यों सब कुछ बता दिया। मैं जीरो हो गया था, मतलब दूसरा हफ्ता क्या खाएंगे वैसा भी अवस्था में हम लोग पहुंच गए थे। लेकिन मैं प्रभु में, हम लोगों ने प्रार्थना किया, फिर आस्ते आस्ते फिर ठीक किया प्रभु ने। कहीं ना कहीं से हमें प्रभु अनुग्रह करता है। तो ये से हमें सिखाता है कि जब भी हम प्रभु के सामने आए, भरा पूरा ना आए। भरा पूरा आएंगे तो फिर जीरो करेगा। खाली होके, हृदय को खाली करके आना है प्रभु के सामने। तो यह हम लोग देख रहे हैं कि नौमी ने क्या किया, उन्हें आशीष दिया। और नीचे हम नौमी देखते हैं कि उनका हृदय में भी कुछ कड़वाहट है। नीचे हम लोग देखते हैं 13 के नीचे लास्ट लाइन में, क्योंकि मेरा दुख तुम्हारे दुख से बहुत बढ़कर है, देखो यहोवा का हाथ मेरे विरुद्ध उठा है। किसको दोष लगा रहा है? यहोवा ने कहा था बेतलेम में जाओ, बेतलेम छोड़ के मुआब में जाओ, कहा था? नहीं कहा था। अभी यहां क्या बोल रहा है नौमी? यहोवा ने उसका हाथ मेरा विरुद्ध उठा है, ऐसा बोल रहा है। परमेश्वर का हाथ कभी मैं हमारा विरुद्ध में उठ सकता है? अगर उठेगा तो ये दुनिया ही नहीं रहेगा। दयालु है वो। तो ये बात को समझाने के लिए बहुत साल लगा। और जब हम लोग देखते हैं नीचे 9 में, वो लोग चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे। दोनों बहू है, क्या कर रहे? चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे। अब चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे तो इतना प्रेम उन तीनों में था। आज को दिन में बुआरी रा सासु मिल छा जगटा जगट हुन्छ है ना। सास और बहू में मेल नहीं रहता है। तुम्हारा बहू ऐसा कर रहा है, माँ बोलेगी, बहू भी बोलेगा तुम्हारा माँ ने हमको ऐसा बोला। लेकिन यहाँ पे देख रहा है वो लोग तीनों मिलकर के चिल्ला चिल्ला कर रो रहे हैं। कितना प्रेम है। कभी कभी कोई प्रेम दिखता है ज्यादा प्रेम, लेकिन अंदरूनी उसका टिकाव ज्यादा नहीं रहता है। उस प्रेम में टिकाव ज्यादा नहीं रहता है। तब हम लोग देखते हैं जब नौमी ने कहा कि तुम लोग अपने अपने घर में चले जाओ, वापस जाओ, और मेरे पास क्या रखा है? कुछ भी नहीं है ना, मेरे पास और बेटा है ना, और तुम लोग उससे शादी कर सकोगे। अगर शादी भी करना है तो कैसे होगा? ये हम लोग बड़े हो चुके हैं और वो बच्चा कब बड़ा होगा और तुम लोग शादी करेंगे, ऐसा सोच रहे थे। लेकिन क्या परमेश्वर ऐसा नहीं कर सकता था? उसको जल्दी जल्दी नहीं बढ़ा सकता था? आप लोग का विश्वास है ऐसा? कुछ भी कर सकता है परमेश्वर। मरकुस 10:27 में, जब अब्राहम को इतना वृद्ध अवस्था में बच्चा दे सकता है तो उनको भी क्यों नहीं दे सकता था? दे सकता था, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया। तो परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, उसको सिखाने के लिए नौमी के जीवन में ऐसा घटना घट रहा है। तो यहाँ पे ओरफा हम लोग देख रहे हैं पूरा रो रही थी, चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी। लेकिन क्या हुआ जब उन्होंने और एक बार उनको पूछा कि तुम चले जाओ,
तुम लोग चले जाओ। तो उसने क्या किया, उनको चूमा और क्या हुआ, वो अपने घर को चले गए। लेकिन रूत ने क्या किया, रूत ने क्या किया, रूत ने क्या किया, 16 से 18 तक हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या बोल रहा है रूत, क्या बोल रही है, मुझे ऐसा मत करो, मैं जाना नहीं चाहती हूँ। यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कैसा रिलेशन रूत का, वो प्रभु में, प्रभु का घर से भी नहीं आई है, लेकिन उनका देखो। तो ये अगर हम लोग देखेंगे अच्छी तरीका से, तो ये ऐसा चाह, प्रभु के लिए मरेंगे, तुम्हारा लोग मेरा लोग, तुम जहां रहोगी मैं वहीं रहूंगी, ये कैसा ऐसे ही उत्पन्न हो जाएगा। ये नौमी का जीवन से ही उसने सीखा था, नौमी के साथ रहते रहते ही परमेश्वर के बारे में सुना था, तब जाके ना उसने ऐसा कहा। हम लोग भी यहां देखते हैं जिस प्रकार नौमी कह रहा है कि कुछ भी हो जाए हम आपको साथ नहीं छोड़ेंगे। कभी कभी हम लोग ऐसा लगा है चार पांच जन को देख करके, ये मंडली तो गया, आप यहां पे नहीं है कुछ भी, इसको छोड़ के हमको जाना है, ऐसा हमने सोचा। कभी कभी हम लोग सोच सकते हैं, जैसे बेलगाछी आमजनी में देखने से कैसा लगता है, मतलब उतना भरा पूरा, जब मैं अंकल से एक बार गया था तो पूरा भरा पूरा था, जब खड़ा होकर जब सामने देखा तो एक भी पहले के आदमी लोग नहीं है। तो क्या वो लोग छोड़ के चला जाए, वो जो विश्वास में वो लोग जो कम है वो लोग, यही प्रमाण देता है कि कुछ भी हो जाए हम लोग वहां पे रहेंगे। आज हम लोग भी यही है इस मंडली में, यहां पे जब हम लोग आए हैं, कुछ भी हो जाए, खाना ना रहे, कुछ भी ना रहे, मान सम्मान ना रहे, जब हम लोग यहां पर आ चुके हैं तो हमें यही जीवन काटना है, ऐसा हम लोग अभी सोचना है। इस रूत की तरह एक दूसरे के लिए हम लोग ऐसा दोस्त बने जैसे प्रभु हमारे लिए अपना जान तक दिया। सोलोमन ने भी इस बात को जाहिर किया है, हितोपदेश 17:17 में ऐसा लिखा है, सत्रह का सत्रह में, मित्र सब समयों में प्रेम रखता है और विपत्ति के दिन भाई बन जाता है। ये रूत और नौमी के जीवन में देखिए, और आप लोग हम सब एक परिवार है, हमारे जीवन को हम लोग पटोले, क्या हम ऐसा मित्र बन रहे हैं रूत और नौमी की तरह, मर मिटने के लिए चाहते हैं। और दूसरा पहली में दूसरा तरफ जब देखते हैं, इनके जीवन ऐसा था, मेल मिलाप का जीवन था, और ओरफा का कैसा था, प्रेम तो रखती थी लेकिन टिकाऊ नहीं था, थोड़ा दिन के लिए प्रेम, उनको छोड़ करके वो चले गई। और रूथ का कैसा है, नौमी का रिलेशन कैसा है, एकदम लास्ट तक, एकदम जहां कुछ भी नहीं है, उन्हें लेकर के आने के लिए कुछ भी नहीं है, उस समय भी वो दोनों साथ हैं, और रूथ ने ऐसा साथ दिया। हम लोग भी एक दूसरे को इसी प्रकार से अगर साथ देना सीखेंगे, कुछ भी हो जाए हमारे जीवन में, लेकिन संगति, ये मीठा संगति पाने के लिए जो हम लोग लालसा रखते हैं, पहले पहले मैं बहुत ज़्यादा घनघन करता था सेवा जाने से पहले, आज भी जाना है, मेरा गवाह है वहां पे पीछे, वो उसको पता है, लेकिन अभी ऐसा लगता है ये दिन कब आएगा, कब जाऊं मैं वहां पे संगति करने के लिए, ऐसा लगता है। तो
हम लोग नीचे देखेंगे रूथ का मतलब हम लोग क्या पढ़े थे, एकदम सुंदर, ब्यूटी, देखने के लिए सुंदरता। लेकिन 19 के नीचे जब बैतलहम में जब एंट्री हो रहा है, जब बैतलहम में एंट्री हो रहा है रूथ और इसका क्या बोलते हैं नौमी का, वहां क्या हुआ पढ़ेंगे नीचे भाई, पढ़े। अब वे दोनों चल पड़ी और बैतलहम को पहुंची, उनके बैतलहम में पहुंचने पर सारे नगर में उनके कारण हलचल मच गई और स्त्रियां कहने लगी, क्या यह नौमी है? यह नौमी है, इसका बहुत क्वेश्चन है। ओ पहला तो निके रैमरी हो गया, देखा थी तो सूखे का वायर आया, और ऐसा भी हो सकता है उन लोग का थिंकिंग में। पहले तो एकदम सुंदर होके गई थी, सुंदर होते ऐसा सुंदरता था, और किसी ने सोचा होगा ना बेचारा इतना सुंदर थी अभी ऐसा हो गई। इसलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ, जो भी है साबुन से मुख धोइए, जैसा है वैसे रहिए, तो ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है, ठीक है। चला जाएगा, ये चला जाएगा, ये ब्यूटीनेस कुछ रहने वाला नहीं है। तो यहाँ पे ऐसे ही हो रहा है, ये नौमी है, लेकिन नौमी क्या बोल रही है, मुझे नौमी मत कहो, मुझे नौमी मत कहो, मैं ब्यूटी नहीं हूं, अब मुझे मारा कहो, मारा। नीचे पढ़ते हैं भाई। उसने उनसे कहा, मुझे नौमी न कहो, मुझे मारा कहो, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मुझको बड़ा दुख दिया है। यहाँ पे फिर देखिए, मारा का मतलब कड़वा, कड़वा तीता, मतलब उसका रूप रंग खराब हो चुका है, ऐसा अवस्था। और जब हम लोग यहाँ 13 के नीचे पढ़ रहे थे, उसने क्या कहा, यहोवा का हाथ मेरे विरुद्ध उठा है। सिर्फ वह उसने कहा क्या, शब्द को थोड़ा ध्यान दीजिए, यहोवा का हाथ मेरे विरुद्ध में उठा है। और यहाँ नीचे 20 में क्या बोल रहा है, उसने उनसे कहा, मुझे नौमी ना कहो, मुझे मारा कहो, क्योंकि यहाँ पर यहोवा का जगह में नाम चेंज हो गया है, सर्वशक्तिमान ने मुझको बड़ा दुख दिया है। सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान किसको बोलता है, आपने सुना है अभी एलसदाई, एलसदाई का मीनिंग होता है सर्वशक्तिमान। तो उसने पहले बोल रहा है यहोवा ने मुझे दुख दिया है, अभी थोड़ा थोड़ा क्या बोल रहा है, सर्वशक्तिमान। उसका क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, नौमी का आस्ते आस्ते क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, उसका सामर्थ्य को पहचान नहीं सक रहा है अभी। अब वो मैं जीरो हो गई हूँ, अब मेरा रूप रंग, मेरा धन दौलत, मेरा परिवार कुछ भी नहीं है, मुझे पूरा शून्य होना है। उसको आस्ते आस्ते वो क्या कर रहा है, उसको समझ में आ गया, इसीलिए मैंने ये नंबर लिखा है। जो भी काम कीजिए आप, जीरो नहीं रहने से होगा क्या, हमारा भाई व्यवसाय में है, जीरो रहने से होगा? अब ये जीरो में हम जितना लगाएंगे, कितना हुआ ये, जितना लगाते जाएंगे वो एक एक का वैल्यू किसके साथ है, जीरो के साथ। इसीलिए जब भी हम परमेश्वर के सामने आएंगे तो जीरो होना है। प्रभु यीशु मसीह भी ऐसा ही किया, ऊपर से नीचे आया, हम लोग को ऊपर नहीं बुलाया, वो नीचे आया जीरो होकर के, फिर मिलियन हो गया, मिलियन हुआ प्रभु यीशु मसीह। अभी उसका दाम कोई तीर सकता है, कोई दे सकता है, दे नहीं सकता है, ऐसा है प्रभु, ऐसा हमें बनना है। हम लोग देख रहे हैं नौमी को पूरा जीरो कर दिया, उसका रूप रंग भी खत्म कर दिया। हमारा जीवन में भी ऐसा होता है, अगर ऐसा हो रहा है तो आप लोग समझिए, इस बात को समझ में रखिए, दिमाग में रखिए कि प्रभु हमको बना रहा है, हमको बना रहा है, दूसरा रूप दे रहा है, एक पवित्र रूप ला रहा है उसके जैसे, इसको हम लोगों को समझना है। नौमी जब ऐसा शून्य हो गया
तब हम लोग देखते हैं नीचे आप पढ़ते हैं भाई 22 से 22 में। इस प्रकार नाओमी अपनी मुआबिन बहू रूथ के साथ लौटी जो मुआब देश से आई थी और वह जो लौटने के आरंभ में बेतलहम पहुंची। हाँ, किस समय में वो लोग बेतलहम पहुंचा? अभी जौ कटने के आरंभ के समय में। जौ सबको पता है, गेहूं जौ पता है, वो कटने के समय में वो लोग पहुंचा। पहले गया था कैसा था? अकाल था। अभी कैसे में आ गया? काटने के समय, बिगिनिंग, एकदम पूरा खाना पीना सब कुछ रहेगा। अभी ऐसा वो लोग आ गए। तो कभी कभी मैंने ये वचन जब पढ़ रहा था, मुझे वो चीज को भी याद आया। मैं अपना गांव को पसंद नहीं करता था, ये मेरा छोटा सा टी गार्डन गांव का आदमी लग रहता है। मैंने अपने आप को बहुत बड़ा समझता था। मुझे जाना नहीं है, मगर ज्यादा समय भी नहीं बिताया मैं वहां पे। खाली बाहर जीवन बिताया मैंने। वहां जाता था, एक महीना रहता था, फिर निकल के चला था, ज्यादा नहीं रहता था। लेकिन उस गांव का ब्यूटीनेस को मैंने नहीं समझा, उस बेतलहम का ब्यूटीनेस को उसने नहीं समझा। एलीमेलेक का नाम क्या था? मेरा परमेश्वर राजा है। राजा घर में कभी अकाल पड़ेगा? उस बात को वो लोग समझ में नहीं पाया और कहां चल दिए? दूसरा जगह में। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि सर्वशक्तिमान ने क्या किया, नोमी को उस समय लेकर के आया, रूथ और नोमी को, जहां पे जौ का कटनी आरंभ हुआ। और नीचे हम लोग देखते हैं कि नौमी के बारे में आप यहां पर देखेंगे। नौमी कैसा है? नौमी एक जवान विधवा है, जवान विधवा। उसका इच्छा ये था। हम लोग देख रहे हैं आगे जब पढ़ते हैं, तब हम लोग देखते हैं दो पद में किसका एंट्री हो रहा है? बुआज का एंट्री हो रहा है। हम लोग देख रहे हैं नौमी के पति एलीमेलेक के कुल में उसका एक बड़ा धनी कुटुंबी था जिसका नाम बुआज था। बुआज का मतलब उत्तम गुणों का स्वामी। कैसा स्वामी मिला उनको? अभी उसका मालिक कैसा है? अभी नौमी का उत्तम गुणों का। प्रभु यीशु मसीह को जब किसी ने पूछा तो उसने क्या कहा? मुझको भला मत कहो सब। क्या बोला प्रभु यीशु मसीह ने? भला एक ही है, परमेश्वर है। तो वो उसका गुण, ये बुआज परमेश्वर नहीं है, लेकिन उसका गुण यहाँ पे दिखाया गया है। परमेश्वर का गुण कैसा है, कितना भला है। और जब हम नौमी को देखते हैं, जब यहाँ पे अगर कोई एक विश्वासी अगर यहाँ से चला जाएगा, कहीं पे चला जाएगा, ठीक है, कहीं चला गया, दूर देश में चला गया, फिर वापस आया, तो हम लोग का बिहेव कैसा रहता है? अगर वो पूरा मालदार होके आया तो बार बार उसको नहीं देख रहा है, फिर भी हम उसको देखते रहेंगे, बार बार देखते रहेंगे। लेकिन उसका आवाज तक खराब होके आया है तो हम लोग देखते हैं वैसे? यहां पे देख रहे हैं कि लोग उनको देखने के लिए आए, नौमी और रूथ को देखने के लिए आए। और ये परमेश्वर का गुण यहां पे देख रहे हैं बुआज, उनका क्या किया? खाना का बंदोबस्त किया। पहले उनका जीवन में खाना का बंदोबस्त किया, उनका जो जमीन छिन गया था उसको लेने के बंदोबस्त किया। अभी परमेश्वर क्या कर रहा है? बुआज के जगह में परमेश्वर को सोचिए। नौमी का क्या हो गया? सब कुछ छिन गया। लेकिन अभी परमेश्वर क्या किया है? वो जीरो होने की वजह से उसको क्या कर रहा है अभी? फिर उसको वापस दे रहा है, रिटर्न दे रहा है। रिटर्न भी ऐसा दे रहा है कि नौमी के समझ में आ गया कि इससे पहले हम देखेंगे रूथ के बारे में, एक जवान स्त्री
के बारे में हम लोग जब देखेंगे तो वो कैसा है, रूथ के बारे में सात में हम लोग देखेंगे, उसने कहा था कि मुझे लौने हलों के पीछे पीछे पुलों के बीच बिनने और बांटने बाले बटोरने दे, तो वह आई और भोर से कब तक अब तक यही है, केवल थोड़ी देर तक घर में रही थी। बहुत ज्यादा परिश्रमी रूथ कैसा है अभी, बहुत ज्यादा परिश्रम करने वाला। क्या बिन रही थी? इससे पहले दिन में भी मैंने आराधना में ये बोला था, दाना का जब भी बात आता है तो प्रभु का परमेश्वर ने बीज क्या किया, छींटा ना। उस जगह में हम लोग देखे कि रूथ क्या कर रहा है, परमेश्वर के वचन को एक एक ठो करके ले रही है, एक एक ठो करके बीन रही है, अपना जीवन में डाल रही है। वो खाना खा रही है, आत्मिक भोजन खा रही है, ऐसा कर रही है। और इसके हम लोग देखते हैं बुआज तो उनके साथ नहीं था, लेकिन नीचे हम लोग देखते हैं 11 में उनका गवाही कैसा है उस नौमी का। बुआज ने उत्तर दिया, जो कुछ तूने पति मरने के पीछे अपने सास से किया है और तू किसी रीति अपने माता पिता और जन्मभूमि को छोड़कर ऐसे लोगों में आई है जिनको पहले तू न जानती थी, यह सब मुझे विस्तार के साथ बताया गया है। यहोवा तेरे करनी का फल दे और इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके पंखों तले तू शरण लेने आई है तुझे बदला दे। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे, क्योंकि यद्यपि मैं तेरी दासियों में से किसी को भी बराबर नहीं हूँ, तो भी तूने अपनी दासी के मन में बैठने वाले बातें कहकर मुझे शांति दी है। बाप रे, ऐसा आते साथ रूथ के बारे में पूरा टेस्टमनी। अब वो टेस्टमनी से मुझे याद आया, नैनसल का जो एक कलीग है दूसरा बगान में रहता है, वो भी वही डिपार्टमेंट में काम करता है, वो मेरा दोस्त है बचपन से। उसने मुझे फोन किया, उस दिन मुझे बहुत दुख लगा। कैसा, उसने फोन किया, बोला प्रभुदान तुमको हम अभी तक याद करते हैं। तो कैसे याद करते हो? तुम्हारा वो जींस पैंट लगाना तुम्हारा ड्रेस लगाना, तुम ड्रेसअप तुम्हारा, जैसे मैं तो डार्लिंग में पढ़ता था ना, तो डार्लिंग में पढ़ने वाले ऐसे भी ड्रेसअप कैसे और एकदम हाईफाई होता है हाँ। वो मेरा ड्रेसअप को बारे में बोल रहे हैं, मुझे दुख लगा। उसने मेरा बारे में एक भी प्रभु के बारे में नहीं बोला, ऐसा नहीं कहा कि प्रभुधन तुम्हारा मुँह से मैंने वो वचन सुना था, तुम्हारे जीवन में हमने प्रभु को देखा था, ऐसा नहीं बोला। पहले जब मैं ऐसे सुनता था तो मुझे खुशी लगता था, तो उस दिन जब सुना दुख लगा मुझे। तो यहाँ पे हम लोग रूथ के बारे में देखते हैं कि वो क्या है, उसका गवाही कैसा है, बुआज दे रहा है, गांव के आदमी लोग उसके बारे में विस्तार से बताया गया था रूथ के बारे में, इतना अच्छा गवाही उनका। और उसके वजह से बुआज के जीवन में भी हम लोग देखते हैं कि वो दुखी भरी लेडी है, दुख से भरा हुआ लेडी है, उसको उसने कैसा अनुग्रह दिखाया। अब बुआज की जिंदगी में हम लोग देखते हैं कि अपने आप को वो बड़ी बड़ाई नहीं रखा, वो किसका नाम आगे किया, ये हुआ तेरे करनी का फल देगा। उसने नहीं कहा कि मैं तुमको देखभाल करूंगा, उसने कहा ये हुआ तुम्हारा करनी का फल देगा। उसने कैसा सेवा किया था रूथ के साथ रह करके, सास और सासू में माँ और बेटी का रिश्ता बनाना बहुत ही कम घर में होता है, ये समझ के रखिए। अभी जो बच्चा लोग शादी भी नहीं हुआ है वो लोग भी सोच के रखो, सास को अपना माँ की तरह प्रेम करना और सास भी अपना बहू को बेटी की तरह प्रेम करना, ये मामूली बात नहीं है, बहुत कठिन बात है। उसमें बीच में बैठा रहता है, उस पिसते रहता है इधर माँ को भी कुछ बोल नहीं सकता है, बहू को भी कुछ नहीं बोल सकता है, उस जगह में कैसा रिश्ता है। और इसने यहाँ पे देखते हैं कि
नोमी ने बहुत बार उनको बेटी कहा है, ऐसा रिलेशन। नीचे हम लोग देखते हैं 16 में उनका रूत और उनके परिवार के बारे में कैसा सुरक्षा परमेश्वर ने दिया, वरना मिट्टी भर जाने पर कुछ कुछ निकल कर गिरा भी दिया करो और उसके बिनने के लिए छोड़ दे और उसे घुड़को मत। सो वह सांस तक खेत में बिनती रही, तब जो कुछ बिन चुकी उसे फटका और वह कोई एपा भर जो निकला। बुआस का खेत में क्या करने, उसे काम करने के लिए भी मिला, ठीक है। किसी को नींद लग रहा है तो आप लोग सो जाइए आराम से, ठीक है। और पूरा खेत में काम करने के मिल रहा है, खाने के लिए भी मिल रहा है, लेकिन एक जवान स्त्री, मैं यही बात को देखता हूँ, मुझे मालूम है ये चीज, किसी घर में अगर मर्द आदमी नहीं है ना तो आदमी का दृष्टि बदल जाता है, ऐसा होता है। लेकिन यहाँ बुआज का जिंदगी में, यह बुआज को देखिए वो क्या कर रहा है, उसका जो और लोग हैं उन लोगों को भी बोल रहा है उसको गुड़ना भी मत, तुम लोग देखना भी मत, कैसा प्रोटेक्शन उनको मिल रहा है। ऐसा ईमानदार के साथ में ये नोमी ने जिंदगी बिताया था, रूत ने जिंदगी बिताया था, और उनका जीवन में थोड़ा उतर चढ़ाव हो गया था, परमेश्वर के रास्ते से वो लोग भटक करके दूर चले गए थे, लेकिन जब वापस आया तो सब कुछ मिल रहा है हम लोग। यहाँ तक कि हम लोग देखते हैं कि नौमी लास्ट में उनको समझ में आ गया कि परमेश्वर कितना महान है जिसने उसके जीवन में अनुग्रह किया है। 20 में हम लोग देखते हैं, 2:20 में नौमी ने अपने बहू से कहा, वह यहोवा की ओर से आशीष पाए। पहले क्या था, नौमी ने क्या बोला था, यहोवा ने मुझको मारा है। थोड़ा थोड़ा और स्टेटमेंट चेंज हुआ, उसने सब कुछ ले लिया, किसने, सर्वशक्तिमान ने ले लिया, थोड़ा परमेश्वर के सामने और प्रशंसा करना शुरू किया, लेकिन अभी स्टेटमेंट एकदम बदल गया, उसका बोलने का तरीका बदल गया। नौमी अपने बहू से कह रही कि वह यहोवा की ओर से आशीष पाए, क्योंकि उसने ना तो जीवित पर से और ना मरे हुए पर से अपनी करुणा हटाई। नौमी का पति मर गया, बेटा मर गया, लेकिन परमेश्वर ने उसको कैसा करुणा दिखाया, उसका नाम ना मिट जाए, एलीमेले का नाम ना मिट जाए, किलियन का नाम ना मिट जाए, वो दोनों बेटे का नाम ना मिट जाए, उसको बरकरार रखने के लिए परमेश्वर ने ऐसा करुणा और ऐसा शांत तरीका से उनके जीवन में ऐसा प्रबंध करके रखा था। हम लोग कभी कभी परमेश्वर हम लोगों को पीटता है, डांटता है, कुछ भी करता है, हम लोग इस प्रकार से छटपटाते हैं, है हम लोग छटपटाते हैं, लेकिन परमेश्वर नहीं छटपटाता है, आराम से कूल माइंड से, चिल होकर के एकदम रहता है, चिल बनकर एकदम कूल बनकर के हमारा रास्ता तैयार करता है, और जो भी तैयार करता है बेहतरीन तरीका से करता है। नौमी आज किसका दादी है, आप बोल सकते हैं, नौमी किसका दादी है, किसका दादी है, बोलो, प्रभु यीशु मसीह का दादी है, अभी जिसका कुछ भी नहीं है, राजाओं का राजा का दादी है वो, ऐसा अनुग्रह कृपा करता है परमेश्वर। और ये कैसे हुआ, रूथ के जीवन में भी ऐसा चेंजेस, टर्निंग पॉइंट कैसे आया, क्या कारण से आया, जानते हैं क्या कारण से आया होगा, क्या कारण से आया होगा, हमारा जीवन में इस संसार में भी ये संसार बदल गया। परमेश्वर ने जब बनाया था, सृष्टि बनाया था, क्या कहा था, क्या कहा था, अच्छा है, खराब है बोला था, लेकिन टर्निंग पॉइंट कहां से हुआ,
मनुष्य का बनाने के बाद, मनुष्य का बनाने के बाद भी नहीं हुआ था, पाप भी बाद में हुआ, क्या हुआ था थोड़ा सोचिए, बैग में जाइए। हम लोग पांच में पढ़ते हैं, दो का पांच में, तीन का पांच में, उसने उससे कहा जो कुछ तू कहती है वह सब मैं करूंगी, आज्ञा मानना, आज्ञा मानना। जीवन में अगर आज्ञा मानना नहीं है तो उस जीवन तस नस हो गई, उसमें भूचाल आ जाएगा, दूसरा मोड़ आ जाएगा, नदी इस तरफ बह रहा है तो दूसरा तरफ बहना शुरू हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है आज्ञा पालन करना। रूत ने ऐसा ही किया, सारा बात को उसने माना। एक बुजुर्ग सासू माँ, आपको पता है जिसका जिसका सासू है आप लोगों को पता है कैसा होता है, खिच 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 करता है कि नहीं करता है, तो कैसा सहा होगा उसने, खिच खिच कर रहा है फिर भी उसने उसका बात को सुना। छोटा बनना है हम लोगों को, नम्र बनना है, इसीलिए ये मैंने लिखा कि मेरा जीवन में ऐसा हुआ है इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। मैं बहुत बड़ा बनना का बनने के लिए इच्छा चाह रहा था, मैंने मेरा जीवन में बहुत बड़ा बड़ा सपना था, लेकिन जिस जहाँ पर भी कदम रखता हूँ वो सपना चूर चूर हो जाता है, जहाँ पे जाता हूँ चूर चूर हो जाता है। लास्ट से मैं बोला छोड़ो इसको, अभी ये कुछ काम का नहीं है, अब मुझे जिधर जाना है जिधर प्रभु बोलेगा, जैसे प्रभु चाहेगा, जैसा मेरे परिवार रहेगा, जिस कंडीशन में रखना चाहता है वैसे ही रहना है उसको। उसके बाद जब मैं जीरो हो गया तब प्रभु ने मेरा जीवन में अनुग्रह किया। आज हम प्रभु का सामने इस प्रकार से आ पा रहे हैं, इस प्रकार से खड़े होके प्रभु के बारे में महिमा की बातें हम कह रहे हैं, उनके बड़ी बड़ाई कर रहे हैं, किस वजह से, जब तक अपने आप को सुन्न नहीं किया। नोमी और रूत ने भी अपना जीवन में पूरा जीरो कर दिया। उसके बाद प्रभु क्या कर रहा है, अभी आस्ते आस्ते जीरो को ऐड कर रहा है। उनका घर बार नहीं था, अभी उनको घर बार दे रहे हैं। प्रभु के लिए हमें पहले सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, गवाना ही पड़ेगा। कहीं कहीं भी हम लोग देखते हैं ना, कभी कभी कहीं देखिए सुनिए, कहीं भी ऐसा होता है, एक गलत बात जरूर होता है कि प्रभु में आने से ना सब कुछ ठीक हो जाएगा, प्रभु में आने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं उन लोगों को बोलना चाहता हूं, प्रभु में आने से ठीक नहीं होता है, मतलब आपको तकलीफ से गुजरना पड़ेगा तब जाके आपका ठीक होगा। कभी कभी अगर ऐसे हम लोग किसी को बोलते हैं ना, प्रभु में आने से आपका सब समस्या ठीक हो जाएगा, तो कल जाके उसका समस्या ठीक नहीं होगा, तो एक उसका विश्वास कहाँ रहेगा। प्रभु यीशु मसीह इसी प्रकार से, प्रभु यीशु मसीह ने भी जब अपना सेवा शुरू किया, इस धरती पर आया, पैदा होने से उनके पीछे दुश्मन लग गया, भागना पड़ा उसको, इधर भागना उधर भागना, कभी इजिप्ट जाओ, कभी बेतले में जाओ, कभी गलील में जाओ, कभी प्रचार कर रहे वहां से बाहर निकाल दो उसको। टेढ़ा सीधा जीवन नहीं है, हर कदम में प्रभु हम लोगों को जिस प्रकार उसने सहा है, जिस प्रकार उसने चला है, वैसे हम लोगों को सिखाना चाहता है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि हमें जीरो होना है, जब तक हम लोग जीरो नहीं होंगे तो उनके बारे में नहीं सोच सकेंगे, प्रभु यीशु मसीह जिस प्रकार से। और जब हम लोग देखते हैं उनका परिवार में, और आगे भी पढ़ेंगे तो मिलता है, बहुत देरी हो जाएगा, समय हो जा रहा है, हो गया अभी, कि उनको जीवन में, रूथ के जीवन में एक बेटा हुआ, बेटा मिला ना, उनका नाम क्या था, ओबेद, ओबेद का मतलब दास, दास मिला उनको। अब
उनका परिवार को देखभाल करने वाला निकल कर गया है। प्रभु प्रभु का परमेश्वर का जो तरीका है ना, उसको अपना हमारा जीवन को ठीक करने का, सुरक्षा देने का, प्रबंध करने का, सब कुछ ला करके रखने का उसका तरीका ही अलग है। इसीलिए इधर उधर देखना नहीं है, सीधा परमेश्वर के सामने झुकना है, नम्र होना है। जो भी हम लोग चल रहे थे उसको छोड़ करके, अगर जीवन में हमारे जीवन में अगर पैसा बड़ा बड़ा बात है तो बड़ा बात कुछ काम करने का नहीं है, वो कोई काम का नहीं है जब तक हम प्रभु के सामने छोटा नहीं बनेंगे। ऐसा छोटा बन करके आएंगे, तकलीफें आएगा लेकिन आपको संभालने के लिए हिम्मत भी मिलेगी, परमेश्वर की ओर से मिलेगा। ऐसा संभलते हुए प्रभु हमें को लेकर जाएगा, आगे लेकर के जाएगा। जब तक वो नहीं आ रहा है, जब तक हम इस धरती में रहेंगे तब तक प्रभु हमको इस प्रकार से संभाल के ले जाएंगे। आइए इस छोटे से वचन में हम सबों के लिए प्रभु से आशीष मिले, और अगर हम इसको अच्छी तरीका से समझा नहीं पाए हैं तो आप लोग घर में जाके भी एक बार फिर से पढ़िए, प्रभु आप लोगों को पूरा तरीका से समझाएगा।